वाराणसी कमिश्नर से विधवा पीड़ित महिला ने 3,40,000 की धोखाधड़ी के संबंध में लगाई न्याय की गुहार। उच्चाधिकारियों के आदेशों को नजरअंदाज करते वाराणसी कमिश्नरेट के कोतवाली इंस्पेक्टर अश्वनी चतुर्वेदी, पीड़ित विधवा महिला का आरोप। विपक्षी से पैसा लेकर संगीन धाराओं को इंस्पेक्टर कोतवाली ने FIR में से नाम हटा दिया। पीड़ित विधवा महिला दर दर भटक रही है और उच्चाधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित और आप देख रहे हैं संसद वाणी। आपका? मेरा नाम माधुरी मित्रा। यहाँ कहाँ पे आई हैं? यहाँ आए हैं कचहरी में। क्या मामला है? हमारा लड़का सब इंस्पेक्टर प्रयागराज में थे, उन्हें वही इंस्पायर कर गए हैं, उन्हीं के कारण हम आए हैं। मेरी पिता बहू है, वो पैसा उनके खाते से निकाल उकाल ली है। हमारे बेटा के मरने के दूसरे ही दिन से अकाउंट पूरा खाली कर दी है। मैंने गया तो देखा तो अकाउंट जीरो बैलेंस था। मैंने आए कचहरी वकील साहब के यहाँ, तब फिर वही आगे कार्रवाई करना चालू किए। नॉमिनी कौन है? कैसे पुलिस के पास गई थी आप? हाँ, पुलिस के पास गए थे। किस थाने का मामला है ये? हमारे आदमपुर चौकी के मामला है ये मामला। जो बैंक का है वो तो कोतवाली का है। क्या बोला इंस्पेक्टर ने? कोतवाली सर ऐसा है कि वो जो दरोगा था वो बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था। एक बार जांच कराया, फिर दूसरी बार उसी के चक्कर में, उसी के फेवर में पूरा शुक्ला जी के, फिर दूसरी बार जांच कराया, फिर वही है। फिर ये जो हमारे अश्वनी चतुर्वेदी जी थे वो बड़े बदतमीजी की तरह बात किए, बड़ा हमको बहुत माने धमकी चमकी के साथ हमको। आज यहाँ कहाँ पे आई हैं आप? आज आए हैं हम अपने कचहरी, अपने राय साहब वकील साहब हैं उनके यहाँ आए हैं सर से मिलने के लिए।